Hello friends, welcome to Tripti's Biology. Today we will learn about the semi-conservative nature of DNA. We have already discussed about the DNA replication, what are the enzymes involved on that process. So today we will learn the semi-conservative nature of the DNA. Okay. So जो DNA की replication है वो actual में तीन तरह की है, ठीक है? अगर हम categorize करें तो वो क्या क्या है, आपका एक है आपकी कंजर्वेटिव नेचर, दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव नेचर एंड तीसरा आपकी डिस्पर्सिव नेचर, ठीक है? तो जब हम सेमी कंजर्वेटिव बोले, सेमी का मतलब आधा होता है, ठीक है? नहीं तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए में होता है क्या है, एक्चुअल में एक जो आपका स्ट्रैंड रहता है वो क्या होता है, आपका रिटेन करता है, जितना भी जनरेशन आपका हो जाए वो उसको रिटेन करता है, उसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। कैसे, ये देखिए, पहले डबल स्ट्रैंड हमारा सेपरेट हो जाता है, फिर न्यू स्ट्रैंड जो है वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, तो फिर इसका जब फिर नेक्स्ट जनरेशन होगा, फिर ये जो डीएनए बना हुआ है ये फिर सेपरेट होगा, तो ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड फिर अलग हो जाएंगे, तो फिर अब क्या होगा, जो ये वाला स्ट्रैंड है इसमें फिर दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा। तो इस हिसाब से जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है वो लास्ट जेनरेशन तक वो रिटेन करता रहेगा। तो एक स्ट्रैंड जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होता है उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड ऐसे ही रहते रहते जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। तो ये जो नेचर है इसको पहले जो है वाटसन और क्रिक जो अपनी स्ट्रक्चर दिए थे और डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल बताए थे उसमें इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया था। तो उनके हिसाब से क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है और उनकी कंप्लीमेंटरी जो है वो फॉर्मेशन होगी, न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं जो डीएनए रहता है, न्यू डीएनए। तो उसी हिसाब से उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर को बताया था, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो किस तरीके से हम कंक्लूड करें कि हाँ होता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बोलते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को किसने दिए थे, आपके मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टल ने परफॉर्म किए थे, कब, इन 1958 में किए थे, ठीक है? तो उन्होंने जो लिया क्या था, क्या क्या यूज किए थे उसमें, उन्होंने ई कोलाई को लिए थे और एमोनियम क्लोराइड लिए थे एंड सीजियम क्लोराइड लिए थे, ठीक है? तो ई कोलाई को चूज करने का मतलब जो है वो क्या है, क्योंकि ई कोलाई जो है उसका डॉबलिंग टाइम जो होता है वो रहता है 20 मिनट्स, ओके, 20 to 30 minutes के अंदर ही रहता है। तो इसको लेने का फायदा यह है कि ये है कि हमें मतलब जो ज्यादा जेनरेशन तक है वो हम कम टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, वेराइटीज देख सकते हैं, ठीक है? तो उसी के लिए इकोलाई को लिए थे। और जो सेकेंड चीज है हमारी एमोनियम क्लोराइड, हम वहां पे हेवी आइसोटोप लिए थे नाइट्रोजन का, ठीक है? N15 को पहले वो लिया गया था, ठीक है? तो नाइट्रोज एमोनियम क्लोराइड क्यों लिए, क्योंकि डीएनए का जो कंपोजिशन है उसमें नाइट्रोजनस बेस रहता है, ठीक है? तो उसी के लिए ये हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा, आगे जाके हम मतलब जानेंगे किस तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है? और सीजियम क्लोराइड को यूज किया था, ठीक है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किस तरीके से परफॉर्म किया गया था, तो क्या किया गया कि पहले जो ई कोलाई को है उसको एमोनियम क्लोराइड जो है उसमें कल्चर किया गया, ठीक है? जो कि हेवी आइसोटोप आपका कंटेंट करता है, मतलब N15 जो होता है, ठीक है? एक चीज ध्यान रखिए, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? हेवी आइसोटोप बोल रहे हैं, ठीक है? जिसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू, क्योंकि हेवी होने के वजह से वो नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। तो पहले क्या किया गया कि बहुत समय तक उनको N15 मीडियम में कल्चर किया गया, ठीक है? फिर उसको जो है कि सीजियम क्लोराइड को लेके सेंट्रीफ्यूज किया गया, ठीक है? तो जिसके वजह से जो आपकी हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, उसी कारण डेंसिटी ग्रेडियंट जो है सेंट्रीफ्यूज उसी बेसिस में काम करता है। तो ये हेवी है उसी के लिए जो है हमारे टेस्ट ट्यूब की बॉटम लाइन में आ जाएगा, ठीक है? तो उसको हम कलेक्ट कर लिए। फिर जो सेकेंड में क्या किया गया, जो मतलब हमारे पास है उनको फिर हम क्या किए कि N14 मीडियम में कल्चर किए, अमोनियम क्लोराइड का N14 मीडियम में कल्चर किए, ठीक है? तो पहले N15 था, अब N14 आ गया, ठीक है? तो इसमें जो क्या किया गया कि जो कल्चर किया गया लंबे समय तक किया गया, ठीक है? और इस इंटरवल में
सपोज 20 मिनट्स हो गए, 30 मिनट्स हो गए, कुछ स्टैंडर्ड इंटरवल में वहां से उनको एक्सट्रैक्ट करके हम डीएनए जो है उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, ताकि हम देख सके कि जो नई डीएनए बन रहा है उसका पैटर्न कैसा है. ठीक है, तो अब हो गया. तो हम जो कंक्लूजन जो है हमें कैसे मिलेगा कि एक्चुअल में होता क्या था, तो हम जो पहले किए क्या क्या किए थे, पहले हम क्या किए थे कि N15 मीडियम में हम मतलब उसको ले लिए हैं सेंट्रीफ्यूज करके. तो हमें सीन्स ये हैवी है तो हमें यहाँ पे मिल गया है बटम लाइन में. ठीक है, जो बैंड है हमको बटम लाइन में मिल गया है. अब जब हम N14 मीडियम में कल्चर किए, ये तो हो गया हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड. तो अब ये स्ट्रैंड पहले दो मतलब ओपन अप होता है ना हेलिकेज एंजाइम के वजह से, तो उसके बाद कम्प्लीमेंट्री जो न्यू स्ट्रैंड होते हैं वो फिर फॉर्मेशन होता है. इस हिसाब से यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ये न्यू स्ट्रैंड है. ठीक है, तो अब ये जो है ये अब हो गया आपका हाइब्रिड डीएनए है. ठीक है, तो इसको जब हम सेंट्रीफ्यूज किए तो हमें ये मिडिल में मिला. ठीक है, तो ये हो गया. और फिर कुछ समय के बाद फिर हम लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये जो है ये अब दो डीएनए है तो चार स्ट्रैंड मिलेगा हमें. तो दो जो पुराना स्ट्रैंड दो मिलेगा और नया स्ट्रैंड दो मिलेगा. ठीक है, जो यहाँ का बात करती हूँ. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में फिर और एक स्ट्रैंड बनेंगे. तो इस हिसाब से ये जो हम मीडियम लिए यहाँ पे देखो हाइब्रिड जो है वो हाइब्रिड डीएनए भी है और यहाँ पे जो न्यू डीएनए भी बना हुआ है. तो मैं पहले आपकी आपको बताई थी कि जो रेप्लिकेशन में तीन तरह की है, एक कंजर्वेटिव बोली थी, दूसरी सेमी कंजर्वेटिव और एक डिस्पर्सिव बोली थी. तो जो न्यू स्ट्रैंड बनता है ऐसे N14 इसको हम डिस्पर्सिव बोलेंगे. ठीक है, डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, तो ये हो गया. तो अब जो हम इस जेनरेशन में अगर हम लेंगे तो हमें ये देखो एक हाइब्रिड वाला बैंड भी मिला है और जो न्यूली फॉर्म हुआ है वो बैंड भी मिला है. तो इसमें से हम हमको कंक्लूजन क्या मिलेगा. और इसके बाद सपोज यहाँ पे एक इतना जेनरेशन है, आगे हम और भी लेंगे. ठीक है, तो अब ये चार है तो यहाँ से हमें आठ स्ट्रैंड मिलेगा. ठीक है, आठ स्ट्रैंड मिलेगा ना चार से. तो वहां पे भी देखो ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये उसी तरीके से कंटेन ही करेगा. हम कितने भी जेनरेशन ले लें तो वहां पे ये जो है आपकी ये स्ट्रैंड आएगा. ठीक है, तो इससे हम कंक्लूड हुए कि हाँ ये जो डीएनए की जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है. तो किस तरीके से हो गया ये पता चल गया कि ईच इंटरवल हम लेंगे तो जो बैंड आता है वो कंक्लूड करता है कि हाँ यहाँ पे जो है जो हमारा पेरिएंस्टल स्ट्रैंड है वो रहते रहते जा रहा है और उसको जब हाइब्रिड बोलते हैं वो हाइब्रिड बनते जा रहा है और जो नया नया स्ट्रैंड है वो भी आ रहा है हमें. ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए है. तो इनके साथ साथ जो है वो क्या है आपकी और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. ठीक है, आपकी जो है साइंटिस्ट टेलर ने किए थे और उनकी कॉलीग ने मिलकर 1958 में भी किए थे. लेकिन उन्होंने यूज क्या किए थे, वो रेडियो एक्टिव थायमिडाइन को यूज किए थे. ठीक है, तो उन्होंने डीएनए की रेप्लिकेशन के साथ साथ क्रोमोजोम को भी लिया था. ठीक है, तो उन्होंने किसके ऊपर काम किए थे कि आपकी विषया भावा एक फावाबीन को लेके उसकी क्रम वहां पे उसको देखे थे. तो वहां पे भी उनको जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला वहां पे वही सेमी कंजर्वेटिव नेचर ही मिला. ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर. थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ए लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.